बात होती है कि अगर हम कोई रेमेडी विश से रिलेटेड करना चाहते हैं, महावास्तु में जो बताई गई है कि अगर हम कोई अपनी विश पूरी करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या रेमेडी करें। वैसे तो जो है विलेसिन वगैरह जो वेस्ट में बताए गए ये सब तो आपको है ही क्लियर। इसके अलावा एक और जो है रेमेडीज इसमें बताई जाती है कि हम जो हैं वेस्ट में यानी कि पश्चिम में, पश्चिम किसकी दिशा होती है? प्रॉफिट और गेन की। जो भी हम गेन करना चाहते हैं, जिसमें भी हम अपना प्रॉफिट पाना चाहते हैं, ठीक है, कि हमें उसमें गेन मिले, उसके लिए हम जो है हमारी जो मंजिल है, जो हमारा सपना है, उसको हम साकार करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जो है पश्चिम की दिशा को पकड़ते हैं। इसमें हमें क्या करना है? बहुत ही सिंपल सा है कि इसमें आप एक गोल चार्ट पेपर लीजिए, येलो कलर का हो वो, और उसमें जो है आप जो है अपने गोल्डन पेन से या फिर जो है अपने ब्लैक पेन से, ब्लैक भी ले सकते हैं, ब्लैक पेन से या गोल्डन पेन से, ब्लैक से लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। तो ब्लैक पेन से आप जो है उस पर अपनी विश लिखिए, ठीक है, जो भी आपकी इच्छा है उस विश को लिखिए, और उस विश को लिखने के बाद जो है आपको जो है उसमें हाथ जोड़ के निवेदन करना है कि मेरी इस उस विश को पहले आप W3 या W4 में उसे किसी भी टेप से या किसी से उसे चिपकाइए, और उसके बाद जो है आप जो है प्रे करिए उससे कि मेरी इस विश को पूरी करने में मेरी मदद करें। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है, ये मत सोचना कि आपने क्या किया कि आपने जो है बस अपना विश लिख दिया, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, ऐसा नहीं होगा। कोई भी विश है उसको पूरा करने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। वेस्ट किसकी दिशा है? शनि की दिशा है, और शनि क्या करता है? शनि क्या करता है? जो आप मेहनत करोगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। आपने विश लिख दी और मेहनत नहीं करी तो कुछ नहीं हो सकता। आप ये चाहते हैं कि आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, ठीक है, और आपने क्या करा? विश लिख दी सब कि हमने तो जो है सर्कल में मैम ने बताया था या महावास्तु में बता रखा है, हमने तो उसमें विश लिख दी, अब हमारी विश पूरी हो जाएगी। बिल्कुल नहीं होगी, मेहनत करनी पड़ेगी। शनि देव कर्म के न्याय के दाता हैं, जो मेहनत करेगा उसी को रिजल्ट मिलेगा। IAS ऑफिसर बनना है तो उसके लिए आप पूरी मेहनत करिए, पूरी मेहनत करिए, पूरी मेहनत करने के बाद वहाँ पे विश भी लिखिए साथ में, तब वो आपको हेल्प करेंगे। आपको वास्तु एक्सपर्ट बनना है, ठीक है, अपनी विश वहाँ लिखिए, लेकिन अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे, उसको जो है उसकी नॉलेज को नहीं पढ़ाओगे, जो कोर्स आप सीख रहे हैं उस कोर्स को आप आगे इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाओगे, उसकी डेली स्टडी नहीं करोगे, तो फिर इसमें आपको कैसे फ़ायदा मिलेगा? हर चीज़ के लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत करे आपकी कोई भी विश पूरी नहीं हो सकती, ठीक है। तो अगर आपको वेस्ट में अगर जो है करनी है ये बात, तो वेस्ट के लिए आपको जो है पहले मेहनत करो, उस चीज़ जो भी आपके मेहनत जो भी आपका सपना है उसको पूरा करने के लिए आपको जो है उस विश को तो वहाँ लिखो, लेकिन साथ में ही उसको मेहनत भी करो, ठीक है।